देश में वीआईपी कल्चर की तो बहुत लेगेसी है और आई हैव नोटिस्ड उसके बारे में काफ़ी बात होती है। कैसे उसको ख़त्म किया जाए, आपका क्या कहना उसके बारे में? ये बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये वीआईपी कल्चर का ओरिजिन जितनी मेरी समझ है एक कॉलोनियल काल से एक प्रकार से जुड़ गया। अंग्रेजों के लिए एक प्रकार के कानून, सामान्य जनता के लिए दूसरा कानून। उनका रहन सहन एक, बाकियों का रहन सहन एक, उनकी जगह एक बाकी, उनकी गाड़ी निकलेगी तो अलग, उनका टांगा निकलेगा तो अलग। ये एक प्रकार से, और अंग्रेजों के जाने के बाद ये सब जाना चाहिए था जी, लेकिन नहीं गया। हमारे नेताओं ने उसको जारी रखा। अब मैं जब आया तो मैंने पहला काम किया 9 लाल बत्ती। मैंने कैबिनेट निर्णय किया है कोई लाल बत्ती रेड लाइट नहीं होगी, गाड़ियों पर ये चलते हैं और सायरन बजाते हैं झूम 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 करके, क्या मतलब है? मैं गुजरात में था, मेरे सभी मिनिस्टर्स को नियम था कि कोई सारे नहीं भेजा। बहुत बड़ा ट्रैफिक हो, जरूरत पड़ गई तो थोड़ा हल्का सा एक करके बंद करो भाई, ये कौन हम बड़े बादशाह हैं कि हम सायरन बजा के चलेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ अब वीआईपी नहीं, मेरे लिए तो ईपीआई है। और जब मैं ईपीआई कहता हूँ तो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, और यही हो रहा। लाल बत्ती से लेकर हर एक्शन में वीआईपीज़म को ख़त्म करने का मेरा प्रयास रहा है। कुछ चीज़ें जरूरत पड़ती हैं, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि एकदम से आप ये चाहोगे कि भाई देश के राष्ट्रपति जी ऐसे फुटपाथ पर पैदल चले जा रहे, ऐसा तो मैं नहीं चाहूँगा, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। लेकिन हमारा कुछ अब देशी वैक्सीनेशन हुआ, जीवन मरण का सवाल था कोविड का, मैं भी वैक्सीन ले सक रहा था, लेकिन मैंने तय किया कि मेरा जो नियमों में नंबर लगेगा उसी दिन मैं जाऊँगा, और मैंने तब तक वैक्सीन नहीं लिया था। इतना ही नहीं साहब, मेरी माताजी 100 साल की हुई, मेरी माताजी का स्वर्गवास सरकारी अस्पताल में हुआ, उसने आखिरी जीवन में कभी उसको अस्पताल जाना नहीं पड़ा, आखिरी जाना पड़ा एक वीक के लिए, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में गई। और उस दिन मैं था और आप गाड़ी में, जिस गाड़ी में जा रही थी, गाड़ी भी बहुत मामूली सी गाड़ी थी, मैं देख रहा था उस दिन, और उसकी अंत्येष्टि भी जो सरकारी अस्पताल को होता है पब्लिक का, वहीं किया। तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ मैं अपने व्यवहार से जितना कर सकता हूं मैं करता हूं, और मैं मानता हूं अब जैसे रिपब्लिक डे परेड हमारे इन्वाइटी कौन होते हैं, मैंने जिन्होंने सेंट्रल विस्टा बनाया ना, इन सबको मेरा स्पेशल गेस्ट बनाया था। मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूं वाइस कन्वोकेशन के लिए, तो मैं यूनिवर्सिटी वालों को कहता हूं कि पहली 50 सीट मेरे गेस्ट के लिए चाहिए। तो कहते हैं कि 50 सीट साहब, तो उनको ज़रा ये रहता है कि 50 सीट, मैं 50 सीट मांगता हूँ और फिर मैं करता हूँ उस यूनिवर्सिटी के नज़दीक में जो झुग्गी झोपड़ी होती है, वहाँ जो स्कूल होती है, उन बच्चों को मैं कॉन्वोकेशन में बैठाता हूँ। सीइंग इज बिलीविंग, उसी समय उसके मन में होता है मैं भी कैसे ऐसा टोपा पहन के जाऊँगा, मैं भी ऐसा कुर्ता पहन के जाऊँगा, मैं भी ऐसा सर्टिफिकेट लूंगा, ये मैं संस्कार करता हूँ। तो मेरे लिए आप देखिए, पहले स्कूल में प्रवेश के लिए एमपी का कोटा रहता था, मैंने खत्म कर दिया। इवन हज यात्रा के लिए जी कोटा रहता था, मैंने वो भी खत्म कर दिया। हमारी पार्लियामेंट की कैंटीन, सब अखबार वाले दुनिया भर की चीज़ें लिखते रहे मुफ्त, मैंने सब कैंटीन की सब्सिडी ख़त्म कर दी। अब एमपी पूरा पैसा देता है। तो देखिए, हमने पद्मश्री, देखिए स्टडी हो रहा है आज के, पद्मश्री की तारीफ हो रही है, क्यों? ऐसे ऐसे लोगों को मैं खोजता हूँ जी, ये पीपल्स पद्म बनना चाहिए। वरना पहले ज़्यादातर पद्म दिल्ली में ही जाते थे, और वही जो नेताओं का परिचय रहता था उन्हीं को जाता था, सब बदल दिया हमने। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये जी, समाज जीवन की ताकत का एक बहुत बड़ा, और इसमें राजनीति नहीं है जी, इतना बड़ा देश है। अब जैसे मन की बात आप सुनते होंगे, मैं उन छोटे 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 लोगों की जिंदगी को जब जो भी मेरे पास जानता हूँ, मैं उसको एम्पलीफाई करता हूँ, दुनिया के सामने बताता हूँ मेरा देश, उसकी ताकत।